तो गाइस आपका एक्सट्रीम पावर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली एसी के फिल्टर के रिगार्डिंग कि हम एसी का फिल्टर किस तरीके से और कैसे साफ करें। तो गाइस जब भी हम गर्मियों में गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो गाड़ी का एसी ऑन करके रखते हैं जिससे गाड़ी हरदम ठंडी रहे, बट इसमें यह होता है कि एसी का फिल्टर होता है वो बाहर की मिट्टी गाड़ी के अंदर आने नहीं देता और वो अपने आप को सारी मिट्टी सोक कर लेता है, ठीक है। बट थोड़े थोड़े टाइम पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद गाड़ी का जो हवा होती है अंदर की जो फ्लो होता है वो बहुत कम होता रहता है क्योंकि वो मिट्टी जम जाती है एसी फिल्टर के अंदर, इसीलिए फ्लो कम हो जाता है। एसी फिल्टर साफ करने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है गाड़ी और बाइक की तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। तब मैं दिखाता हूँ एसी फिल्टर कैसे इस तरीके से साफ किया जाता है और कैसे कैसे साफ किया जाता है। एक ही स्टेप आप देखना गाड़ी का, और मेरे पास वैगन आ रहा है, अगर वैगन आ रहा है तो परफेक्ट है, नहीं तो दूसरी कार में भी वैसे ही एसी फिल्टर साफ होता है जैसे हर गाड़ी का होता है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस गाड़ी का एक ग्लव बॉक्स खोलिए जिसको यहाँ से जो बटन होते हैं इसको दबा दबा खोल सकते हैं आप। पर वैगन आर में तो यही है, बाकी पता नहीं गाड़ियों का मेरे को। और इसको आप गिरा एसी का आपका एसी फिल्टर, ठीक है, इसको आप खींच के निकाल सकते हैं इसको करके। मैं निकालता हूँ बोर्ड के लिए। तो गाइस ये मैंने निकाल लिया एसी का आपको फिल्टर, एसी फिल्टर। कुछ तारे मेरे भाई ये मिड लाइट वगैरह की नीचे की लाइट की, और ये आराम से बड़े प्यार से वाटर गैस के अंदर बॉक्स के अंदर ये आपका एसी फिल्टर मैंने निकाल लिया। देखिए गाइस ये कैसा होता है देखने में, ये पूरी मिट्टी जमी हुई है इसके अंदर, देखो कैसे धूल धूल निकल रही है इसके अंदर, देखो धूल धूल दिख रहा है आपको, देखो धूल धूल कितनी धूल धूल है। अभी मैं दिखाता हूँ उसको जमीन पटक के कि ये कितना गंदा है। अगर ये ज़्यादा चौका कर उसको चेंज कर दूँगा, नहीं तो अगर चेंज करने लायक नहीं साफ होकर हो जाएगा तो उसको इसी को लगा दूँगा और फिर देखते हैं इसी का फ्लो कैसा होता है। चलो शुरू करते हैं, इसको साफ करते हैं। तो वैसे पटक के देखता हूँ कैसे निकलता है। इतनी सारी मिट्टी निकली है इसके अंदर, बहुत मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ एसी के फिल्टर के अंदर ही सारी मिट्टी निकली है, दिखाता हूँ और पटक दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही ज्यादा मिट्टी है बट ये साफ हो जाएगा, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। तो गाइस देख कितनी सारी मिट्टी जमी हुई है इसके अंदर, धीरे धीरे की सारी मिट्टी पड़ी हुई पहले जो साफ किया था पटक के इसको मैंने। कहाँ चला गया यार। तो गाइस कितनी ही धूल निकल रही है, देखो कितना काला काला था, लाल हाथ मोलो काला काला, कितना व्हाइट व्हाइट धूल धूल था निकल रहा है इसके अंदर पूरा पूरा। तो गाइस देखिए बिल्कुल ही क्लीन कर दिया उसको मैंने पटक पटक के हाथों से और प्रेशर से भी मारा था क्लीन करने के लिए, बिल्कुल साफ हो गया अभी। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लगेगा, जैसे निकाला वैसे लगेगा। बट वो चेक करने जहाँ पे अप लिखा हुआ है तो उसको इस तरीके से अप की तरफ लगाना, नीचे डाउन करके नहीं लगाना तो हवा बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो चलो लगाते हैं इसको गाड़ी के अंदर। तो गाइस अब इसको लगाते हैं इसके अंदर, फिट करते हैं। देखिए ये आराम से कितने प्यार से फिट हो गया। इसको निकालना और लगाना बहुत ही आसान है, ये आप हफ्ते में भी एक बार कर सकते हो, इससे गाड़ी के फ्लो में आपको बिल्कुल ही कमी नहीं होगी। जैसे कभी गाड़ी आपकी लंबे टाइम तक तो एसी का फ्लो कम हो जाता है, बंदे को लगता है कि एसी का फ्लो कम हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये गाड़ी का आराम, देखो कितने ग्लो बॉक्स में आराम से लग गए हैं इसको, बस इसके ये वाले रबड़ के पॉइंट, ये वाले पॉइंट यहाँ से अटकाने, ये रबड़ होता है, ये प्लास्टिक का ही रबड़ है, इसको यहाँ पे अटकाना। ये हर गाड़ी का अलग होता है, मेरे भाई वैगनार हमारे पास में है
तो जो वैगनर वालों के लिए, उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ मैं, ये सही चीज़ है। बाकी इसी गाड़ी का अपना आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया बिल्कुल। और निकालने के लिए बड़े आराम से कोई करो बिल्कुल निकल सकता है। और लगाने के लिए आप इसको बस यहाँ पे एक चीज पॉइंट होता है, इसे यहाँ पे एक पॉइंट को अटकाओ, इसको यहाँ अटकाओ, इसको यूँ लो, इसको यहाँ लगाओ और इस चीज़ को आप यहाँ लगाओ, यूँ लेके आराम से ये लग गया। और आपको हफ्ते में करो उस चीज़ को भाई, इससे आपकी गाड़ी की एसी की फ्लो बिल्कुल ही कम नहीं होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाइक्स और कार की वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।